हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बताएंगे अस्टेंट लोको पायलट यानी ALP और टेक्नीशियन कैसे बनेंगे और तैयारी कहां से करें, वो भी मैं बताऊंगा। इस मुद्दे में इस वीडियो सबसे ज्यादा मुद्दा रहेगा तैयारी कहां से करें। तो यहां पर मेरा आप देख सकते हो कोने में कूपन कोड चल रहा है, ये बताएं कूपन कोड कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से पहले निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को क्या करें अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उसके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। देखो, तीन गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ALP, यहाँ पर देख सकते हैं RRB ALP टेक्नीशियन, जो कि वैकेंसी 110%। अगर कोई नेगेटिविटी बोलता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूंगा आप चैनल को मेरे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करें ALP की वैकेंसी कब तक है। अगर इसकी वैकेंसी दिसंबर में देखने को मिल गई, अगर दिसंबर में देखने को नहीं मिली 2022 में, तो आपको जनवरी फरवरी में 110% देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। बात करें क्वालिफिकेशन ALP और टेक्नीशियन, मतलब दोनों के लिए। सबसे पहले अगर आप 10th किए हुए हो और 10th के साथ में अगर आप ITI किए हो, किसी भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ट्रेड से हो, 2 साल का अगर आप है तो लोको पायलट बन सकते हो। अगर आप 1 साल के डीजल मैकेनिक वाले तो आप लोको पायलट बन सकते हो। अदर आप 1 साल के हो तो आप लोग क्या करोगे, टेक्नीशियन ही बनोगे, काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं, ठीक। बात करें 10th प्लस डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है या इलेक्ट्रिकल है, ये इनसे आप अगर डिप्लोमा किए हुए हो, या फिर हम कह सकते BBTech अगर आप किए हुए हो, तो आप लोग ये डिप्लोमा वाले BBTech वाले क्या बनते हैं, टेक्नीशियन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट बनते हैं, यह ध्यान रखना। और कुछ लोग ये बोलेंगे क्या 12वीं वाले नहीं कर सकते हैं क्या लोको पायलट फॉर्म, तो बिल्कुल कर सकते। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिस पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कौन, PCM वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, जो कि कौन बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये हमारी होगी क्वालिफिकेशन। आज के बाद आप लोगों की कोई भी डाउट नहीं रहेगी क्या सर हम 1 साल वाले हैं, क्या हम लोको पायलट बनेंगे, टेक्नीशियन, तो डीजल मैकेनिक वाले सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट बनते हैं, जो बिल्डर है और कोई ऐसा ट्रेड है 1 साल का, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे और तैयारी कहाँ से करें। देखो, तैयारी करने के लिए आप क्या करें, इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, जो कि आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म रुकमणी पब्लिकेशन, यानी कि वहां से अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ITI में क्या होती है तैयारी हमारी हो नहीं पाती है, ITI क्या होती है सिर्फ निमी क्वेश्चन मिलते हैं वहां से रट के और अच्छे परसेंट बना लेते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात को समझ चुके होंगे, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, डालना प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग ये कूपन कोड हमारा जो कोने में चल रहा है दिख रहा है, ये कूपन कोड वहां पर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी तरफ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, कोर्स में छूटे मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको कोई ज्यादा मतलब जानकारी लेनी है तो इसी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, वहां से आप लोग हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले एज लिमिट की ALP और टेक्नीशियन। अगर आप जनरल में हो तो जनरल वालों की काफी लोगों को डाउट हो रही है कि 28 साल है 30 साल, अगर आप 18 साल मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम यानी न्यूनतम जो आयु होती है वो 30 साल। अगर आप OBC से हो तो आप 18 साल मैक्स, जो हमारी कम से कम आयु होगी 18 साल और अधिक से अधिक यानी ज़्यादा वो एक 33 साल हमारी एज हो जाएगी OBC वालों के लिए। अगर आप ST SC से तो 18 से 35 साल के बीच में अगर हो तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करिए, क्योंकि ALP का सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कम से कम 1 साल तो तैयारी करने में इसकी सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, इसमें हमारे 3 एग्जाम होते हैं, एक तो हमारा CVT 1 होता है, CVT 2 होता है, फिर इसके बाद हमारा साइको होता है। किसके लिए साइको, सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए होता है, साइको हमेशा याद रखना, एक तो होता है ALP, दूसरा होता है टेक्नीशियन। साइको जो होता है वो टेक्नीशियन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट वालों को था। हाँ, ऐसा होता है कि अगर लोको पायलट में अगर आप फेल हो गए, यानी साइको में अगर आप फेल हो गए कि आपको टेक्नीशियन लिया, बिल्कुल लिया जाएगा, आपको टेक्नीशियन में लिया जाएगा। काफी लोग सबसे ज्यादा कमेंट थी, मैंने उसका भी रिप्लाई आपको इसमें दे दिया। बात करें CUT 1 की क्वालिफिकेशन, यानी क्या क्या हमें सिलेबस में पूछा जाता है। देखो, इसका जो पहला पेपर होगा CVT 2, यानी कि हम कहते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीधी सी बात है। इसमें मैथ जो होगा जो 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के बेसिक साइंस जो कि इसमें आएगी अच्छी से लेवल वाली आती है साइंस की, वो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे हैं, GK GS करंट अफेयर इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहले यानी जो CVT 1 है इसको हमें अच्छे से क्रैक करना पड़ेगा। ये 75 नंबर का आएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे और कितने 60 मिनट में करने पड़ेंगे भाई साहब, मतलब कि 15 मिनट ज़्यादा आए, मतलब 15 क्वेश्चन मिनट मतलब टाइम से ज़्यादा आए। और इसकी जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/3, अगर आपने क्वेश्चन गलत किए तो निगेटिव मार्किंग जो रहती है वो 1/3 रहती है। और इसमें हमें कम से कम जो CVT 1 होता है इसमें आपको कम से कम 30 से
अगर देखा जाए 30 से लेके 35 नंबर आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे पास के लिए, अगर आप ये नहीं कर सकते। और हाँ, 2018 में तो सीबीटी बंद जो था ना, इसमें तो पास ही नहीं हुए, तो दोबारा इसकी मतलब इसका रिजल्ट निकाल के फिर बच्चों को लिया गया था इसमें सीबीटी वन में दोबारा रिजल्ट करके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका होगा, किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। बात करेंगे हम यहाँ से सीबीटी टू की। सीबीटी टू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, सीबीटी वन जो पार्ट है इसमें पार्ट दो होंगे, एक तो हमारा पार्ट वन होगा, पार्ट टू होगा। ध्यान से सुनना, इसके बाद देखो मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बढ़ जाएगा। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इससे भाई साहब 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें लेवल वाली एडवांस वाली आती है बहुत ही बेस्ट। और करंट अफेयर यहाँ से मतलब 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और सीबीटी टू यानी जो पार्ट वन रहेगा इसी में सीबीटी टू में वो देगा आईटीआई ट्रेड क्वेश्चन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर वेल्डर किसी भी ट्रेड से हो, आप लोगों 75 क्वेश्चन आएंगे, कितने मिनट के, 60 मिनट में आपको करना पड़ेंगे, जिसमें से आपको 35% मार्क लाना पड़ेगा। कितना, 35%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन लेकिन थोड़ा सा बात ये है, अगर आप इसमें पास हो जाते हो, इसमें अच्छा खासा स्कोर ले आते हो, और इसमें अगर आप 35% नहीं ला पाए, आप इसमें फेल हो गए, तो आपको वहीं से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम में। यानी कि आपको ना ही एलपी बन पाओगे, ना ही आप टेक्नीशियन बन पाओगे। इसलिए मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी ट्रेड थ्योरी को बहुत ही अच्छा और वेस्ट करें अगर आपको एएलपी और लोको पायलट बनना है। सबसे बड़ी गलती यही है। कुछ लोग मान क्या करते हैं, कुछ लोगों का ये पोर्शन अच्छा रहता है, कुछ लोगों का ये गलत मतलब कम कमजोर होता है, कुछ लोगों का ये वाला पोर्शन अच्छा होता है, तो ये तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, बेसिक अच्छे से तैयारी करें, यानी इसको भी क्वालिफाई करें, इसको भी करें, लेकिन जो इसकी मेरिट लिस्ट बनती है वो इससे बनती है, ये मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनती है। ठीक है, तो उम्मीद कर दूँ यहाँ तक सीबीटी टू की जितनी बातें हैं आप लोग मेरी अच्छे से समझ चुके हैं। मैं कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे 100 रहेंगे, टाइम रहेगा 90 मिनट, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/3 की रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनते हैं, यहाँ तक आप सभी मेरी अच्छी सी बातों को समझ चुके होंगे। बात करेंगे मेरिट लिस्ट, जिसमें सीबीटी टू में जो हमारा होगा ना, जो सीबीटी टू यानी इसको मिला के 70% सीबीटी टू से मिला जाएगा, और साइको का अगर आप लोको पायलट बनते हो तो यहाँ से आपका 30% ले लिया जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन में ऐसा नहीं होता, टेक्नीशियन में यहाँ से नहीं लिया जाता। ठीक है, टेक्नीशियन की अलग मेरिट लिस्ट बनती है, और लोको पायलट की जो मेरिट लिस्ट थी वो अलग बनती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी आप लोग आसानी से मेरी बातों को समझ चुके होंगे। कम समय मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा दो ही कमेंट करें, मतलब सबसे ज़्यादा कमेंट करें, एक तो मैथ रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी को तो आप वेस्ट से वेस्ट करें। अगर आप प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ऑफर है 7 अक्टूबर तक, यानी कि आज से कम देखा जाए तो 8 या 7 दिन है, 7 दिन है आज से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया, यानी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख इसका ऑफर है, तो वहाँ पर आप लोग ये कूपन कोड प्रयोग करके आप वहाँ से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ चुके होंगे। अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो मैंने बोल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहाँ से आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर आप भी आप लोगों की कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरी समझ चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।